सो है गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो गए। तो गाइस, आज 2:30 बजे धमाकेदार एक ट्रेलर रिलीज हुआ जिस मूवी का नाम है भूल भुलैया 3। जी, तो मैं इस ट्रेलर को देखने के बाद पूरी तरह से भूल भुलैया यानी कि मैं भी भूल चुका हूँ कि मैं यही क्या देख रहा हूँ, क्या नहीं देख रहा। जी, तो मैं आपको बता दूँ, ये मूवी पूरी तरह से रोस्टेड मूवी लग रही है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूँ कि पहली जो वाली पार्ट मूवी थी यानी कि ओजी या खिलाड़ी कुमार की भूल भुलैया पार्ट 1, वो धमाकेदार कहानी के साथ, धमाकेदार जो मंजुलिका थी बहुत ही खतरनाक लेवल की थी। एंड गाइस, उसी की रिक्रिएशन की गई है। एंड गाइस, ये पूरी तरह से टोटली वेस्ट, ना तो इस मूवी में कॉमेडी देखने को मिलती है, एंड गाइस ना ही इस मूवी में पूरी तरह से हंसी मजाक, ना ही हॉरर पर कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। मिलता तो सिर्फ देखने को इस मूवी की एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग की दुकान। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूँ कि कार्तिक आर्यन भी इस मूवी में पूरी तरह से ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड गाइस, ये मूवी सुपर फ्लॉप होगी, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ। जी हाँ, तो ये मूवी मैं आपको बताता हूँ कि सिंघम अगेन के साथ क्लैश करती हुई नजर आ रही है, जो कि इस मूवी का बाप है। जी हाँ, तो बाप लेवल की मूवी के साथ ये मूवी क्लैश कर रही है। एंड गाइस, अनीस बाजमी अपने पूरी तरह से ईगो में आके इस मूवी का क्लैश सिंघम अगेन के साथ कर रहे हैं। अनीस बाजमी के साथ साथ जो इस मूवी के प्रोड्यूसर है यानी कि उनका भी पूरी तरह से इस मूवी में टोटली वेस्टिंग पैसा लगाया है। एंड गाइस, ये मूवी सुपर फ्लॉप होगी। एंड गाइस, माधुरी दीक्षित भी इस मूवी में पूरी तरह से ख़त्म यानी कि ओवर एक्टिंग की दुकान दिखाई गई है। जी हाँ, तो आपको कैसा लगा ये ट्रेलर? आपको क्या अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, कमेंट सेक्शन जरूर करें दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ, चैलेंज है गाइस जिस मूवी का, कि ये मूवी सिंघम अगेन को नहीं क्रॉस कर पाएगी बिल्कुल भी। जी हाँ, तो आप कितने एक्साइटेड है इस मूवी के लिए या फिर नहीं है, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।